नमस्कार, कैसे हो सब? आज मैं जा रही हूँ हॉस्टल अपना बैग लेकर रैली में। मैं बैठू इसमें, तुम बैठो इसमें, मैं इसमें पापा बैठे हैं। इसमें मेरा डब्बा कौन सा है? ये। और पापा का डब्बा? ठीक, चलाओ ट्रेन। पिन्नी चला रही है ट्रेन, छुक 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 बन गए तो निकाल दो। अरे बिन्नी, तुमने तो ट्रेन पलटा दी है। सही करो उसको, सही से बनाओ। बिन्नी ने तो ट्रेन ही पलटा दी। नमस्कार। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो ये थी थोड़ा देर की पागलपंती। सुबह से लगी है बारिश एक दो दिन से। सच में कलयुग आ गया शायद, या सोच के महीने में चौमास लगा है। और दोस्तों, आज देखो कितने जितने पहाड़ी लोग होंगे वो तो इस गाने का मतलब समझ ही रहे हैं, क्योंकि काफी हिट हो रखा है ये कुमाऊनी सॉन्ग। और कितने लोग इस मतलब सॉन्ग को समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। तो उनको मैं बता दूं, मतलब अपने पहाड़ में क्या होता है, ठंडा बहुत होता है, तो वहाँ पे ना नशे के शौकीन बहुत होते हैं। तो वहाँ पे ना मतलब दारू बीड़ी ये अधिकतर पीते रहते हैं। तो औरत बोल रही है अपने हस्बैंड से कि आप ना ये दारू छोड़ दो, हमेशा आप एक झोले में ना अपनी रम की बोतल रखे रहते हो, और बच्चे बड़े बड़े हो गए, कोई पढ़ने वाला हो रखा है, किसी की शादी होने वाली है, तो आप ये मत पिया करो। तो वो बोल रहा है मैं कोशिश तो करता हूँ छोड़ने की, लेकिन छूटती नहीं है मुझसे। तो इसी से रिलेटिव है ये गाना, मतलब शराब से रिलेटिव। तो ऐसी थोड़ा एक्टिंग की थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था, थोड़ा सोचा थोड़ा पागलपंती कर लें। तो दोस्तों, टाइम नहीं मिला, और काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और तबीयत भी कुछ ऐसी मेरी रहती है, कभी थोड़ा सही कभी थोड़ा ख़राब। ऐसे दिन कट रहे मेरे, और मन भी नहीं करता है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि कुछ नया नहीं है अपने पास, वही घर का सारा।
तो वो दिखा ही चुके हैं एक दो बार, और फिर क्या बार बार दिखाएं घर के बारे में, है ना। तो हाँ, एक चीज और मैं आपको बताने वाली थी, अभी चल रही है बम्पर भर्तियाँ। सोच लो, जिसको भी जॉब चाहिए ना, अभी बहुत अच्छा मतलब उसके लिए है, वो जो भी जॉब करना चाहता है, बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए मिल जाएगी। उत्तराखंड में चल रही है अभी बम्पर भर्तियाँ। हाँ, बहुत सारे मतलब एक दोनों के लिए नहीं, हजारों लाखों के लिए चल रही है। तो दिखा रही हूँ आपको अभी, देखो दोस्तों। अभी उत्तराखंड में ना घास काटना लगा हुआ है, तो वहां पे ना जो घास काटने वाले हैं उसके लिए हर दिन के 150 रुपए मिलेंगे, और जो घास आने वाले यानी दूर दूर से घास लाना पड़ता है 250 रुपए लगेंगे, और लूटा लगाने के यानी पूरा घास इकट्ठा करने के 200 रुपए, और जो चाय पानी देने वाले होते हैं उसके लिए 120 रुपए हर दिन के, और जो छोटे बच्चों का ध्यान देंगे उनको 100 रुपए हर दिन का मिलेगा। तो देखो कितना अच्छा मौका है अभी, प्लीज ये अवसर ना खोना मत, ठीक है, और चलो जिसको चलना है। तो दोस्तों आपने देख ली बम्पर भर्तियाँ, यही है। तो मैं शायद जा सकती हूँ यही 27-28 तारीख को गांव। अरे भर्तियाँ चल रही यार, वैसे जॉब तो मिलने से रही, लेकिन ये जॉब करेंगे ना काफी अच्छा है। और जिसको भी चलना हो तो चलिएगा, एक दराती लेके जरूर चलना, वहां पर खाली हाथ नहीं जाना है क्योंकि घास काटना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और बने रहना पूरी वीडियो के साथ मेरे आगे भी, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ अपने गांव, अपने मम्मी पापा के वहाँ, और वहाँ के सारे आपको मौसम दिखाएंगे, वहाँ के सारे मतलब कल्चर के बारे में आपको बताएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे। तो हमेशा मेरी वीडियो पूरी देखते रहना, ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।